धर्म को जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं, जाइए सुना जी नाम द्वारे जाके पता करिए पवित्रता किसको कहते हैं। अगर कोई बाहर भोग लाते समय स्पर्श कर दे ना तो हमें वापस जाना पड़ता है और वो फिर से रसोई तैयार होती है, स्नान के बाद रसोई तैयार होती है और फिर जाके रसोई के बाद भगवान को भोग लगता है, ये है पवित्रता। अब वो निकम्मे लोग क्या जाने जिन्होंने धर्म बदल लिया, अपना बाप बदल लिया और बाप बदलने के बाद ये षड्यंत्र किया कि हमारे जाके भगवान के प्रसाद में भी फिश ऑयल मिलवा दिया और उसमें तमाम तरह के जो नॉन वेज टाइप है वो मिलवा दिया। वो निकम्मे लोग क्या जाने कि पवित्रता कहते किसको है, पवित्रता तो वही जानेगा जिसने धर्म को सही माने में जाना होगा और उसी को दुख होगा। उनको दुख हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति सिर्फ मंगलवार के दिन नहीं खाते पीते, बाकी भी छह दिन कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें तो दुख हो ही नहीं सकता, उनके लिए तो ये कॉमन बात है। लेकिन मुश्किल बात उन लोगों के लिए है जो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते और वो बालाजी का प्रसाद समझ के उन्होंने वो जो चीजें खाई हैं, ये दुख ये दर्द वो जानते हैं, कोई और नहीं जान पाएगा। और याद रखना सनातनियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर तुम अपना धर्म नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर तुम आप भी साथ रहे तो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा उन मुगलों से की थी, उन अंग्रेजों से की थी, अपने सर कटवा कटवा कर उन्होंने हमारे धर्म हमारे संस्कार को हम तक पहुंचाया है और धिकार है हम सबके लिए। हम आजाद देश में रहते हुए भी अपने संस्कार नहीं बचा पा रहे, अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे, हम लोग सिर्फ अपने पेट की चिंता करते हैं। अरे यार पेट तो स्वयं भी भर लेता है, पेट नहीं भरना है, आने वाली पीढ़ी चैन से जी सके इसके लिए इस पीढ़ी को काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है।